तो पहले तो सर मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म पे, आत्म जागृति पे आप आए, अपना अपना टाइम दिया, थैंक बहुत यू कविता, धन्यवाद, और आगे भी हम चाहेंगे कि आप आते रहे। थैंक यू कविता, यस स्वागत है आपका सर, सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू वेरी वेरी मच, सबका शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत। मच। सो आई हैव ए बाउल, जब मैं बाउल को प्ले करूंगा उस समय मेडिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जब बाउल लास्ट में मैं प्ले करूंगा उसका मतलब वो कंप्लीट हो गया। सो जस्ट लिसन माई इंस्ट्रक्शंस। You can take any comfortable position on floor, on the chair. Just experience the part of your body which is touching the ground, your feet, your hips. The part of your body which is touching the ground. Just become conscious about that part, its sensations, its experience. You may feel cold, hot, warm. Just experience it. You can keep your eyes open. आप अपनी आंखें खुली रख सकते हैं। खुली आंखों से आसपास जो भी चीजें आपको नजर आई हैं, उनको ध्यान से और प्रेजेंट मोमेंट में देखिए। वो पंखा हो सकता है, वो पानी का ग्लास हो सकता है, वो दीवार पे लगी हुई घड़ी हो सकती है। इट कैन बी फैन, इट कैन बी ग्लास ऑफ वाटर, इट कैन बी वॉल क्लॉक, स्विचेस, सम बेड। ऐसी पांच चीजों को एक एक करके सिर्फ देखिए। धीरे धीरे अपनी पलकों को बंद हो जाने दें। स्लोली क्लोज योर आईज। लिसन द साउंड्स अराउंड यू, आपके आसपास जो भी आवाजें हैं उनको सुनिए। वो पंखे की हो सकती हैं, बाहर से किसी कार की, व्हीकल की, कुछ इंसानों की, पंछियों की, जानवरों की। यू आर क्लोज टू यू, यू आर अवे। कुछ आपके नजदीक हैं, कुछ आपसे दूर हैं।
धीरे धीरे अपना ध्यान जो भी विचार आ रहे हैं उनके ऊपर ले जाए। थॉट्स आर कमिंग, गेट कॉन्शियस अबाउट देम। दे कैन बी फ्रॉम पास्ट और सम वरीज फ्रॉम द फ्यूचर। और जस्ट थॉट्स, भूतकाल से हो सकते हैं या कुछ चिंताएं भविष्य काल से हो सकती हैं या सिर्फ विचार हो सकते हैं। मूव योर कॉन्शियसनेस टू योर बॉडी सेंसेशंस, शरीर के अंदर जो भी सेंसेशंस हो रही हैं उनके प्रति सजग हो जाए। दैट कैन बी योर फीट, लेग्स, आईज, एनी वेयर, वॉट एवर सेंसेशंस आर देयर, जस्ट स्कैन योर होल बॉडी फ्रॉम हेड टू टो वेरी स्लोली एंड चेक द सेंसेशंस इन योर बॉडी। If you want to adjust your posture, movement in body, mindfully, consciously, you can adjust very slowly. Please keep your back straight
आर एंटरिंग इनटू सेकंड फेज ऑफ मेडिटेशन, हम ध्यान के दूसरे चरण में दाखिल हो रहे हैं। गेट कॉन्शियस अबाउट योर ब्रेथ, अपनी सांस के प्रति सजग हो जाए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, नोट करें जो आने वाली श्वास है उसका टेम्परेचर थोड़ा कम है, वो ठंडी है, शीतल है। श्वास बाहर जा रही है वो थोड़ी सी गर्म है, ह्यूमिड है। इन ब्रेथ इज कोल्ड एंड आउट ब्रेथ इज वार्म एंड ह्यूमिड। माइंडफुल मेडिटेशन के लिए हम लोग सांस का यूज करते हैं। वी यूज ब्रेथ फॉर माइंडफुल मेडिटेशन बिकॉज व्हेन वी आर बॉर्न वी टेक ब्रेथ एंड व्हेन वी डाई वी रिलीज लास्ट ब्रेथ। From first intake to last release, what happens is known as life. जन्म के समय एक श्वास अंदर और मृत्यु के समय एक श्वास बाहर, उसके बीच के चरण को जिंदगी कहते हैं। श्वास हमेशा हमारे साथ है, और अनकॉन्शियस माइंड और चेतन मन हमेशा श्वास को चला रहा है। इट्स पैसिव, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, ये हमेशा आपके साथ है। देयर इज सम हायर इंटेलिजेंस which is regulating our breath. When we become one with the breath, we can connect with the higher intelligence, higher self. Get conscious about the breath. We
इट्स गोइंग नियर अबाउट 3 inches फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल्स। एंड कमिंग बैक आपके नासिका के अगर भाग से श्वास जाती है और फिर वापस आती है। एट द एंड ऑफ नॉस्ट्रिल्स इट टेक्स यू टर्न काइंड ऑफ पिन एक्सपीरियंस दैट यू टर्न गेट प्रेजेंट। To the whole breath from nostrils to the vent, जहां से श्वास मुड़ रही है। Fully present wherever on your nose, inside your nose, breath is touching. There is difference between breath and air. Same thing becomes air. When we are not alive, when we are alive, it's breath. Everyone has the same destiny when breath becomes air. Slowly move your consciousness from that vent downwards to your windpipe. From nostrils, it's going into windpipe. Every part of breath coming into nostrils and going out, be aware about it. Give your 100%. If some thoughts are coming, don't worry about that. That's natural. अगर आपको कुछ विचार भी आ रहे हैं तो चिंता ना करें, ऐसा ना सोचे मेरा ध्यान टूट गया है। From nostrils to windpipe to lungs. Experience every part of breath into your alveoli, every alveoli. Take a deep breath in and very slowly release it, very slowly. A gehri swas le. और इसको बहुत धीरे धीरे जाने दें। एक्सपीरियंस एवरी पार्ट ऑफ द ब्रेथ फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल्स विंड पाइप टू लंग्स टू एल्वोलाई।
एंड इट्स रिलीज। Nostrils to windpipe, to lungs, to alveoli. Breath is going to every part of the body through the blood. Every incoming breath energizes us, and every outgoing breath releasing the toxins out of our body. हर आती हुई श्वास हमें लाइफ और ताकत देती है। और हर जाती हुई श्वास हमें और शुद्ध और पवित्र कर रही है। Experience that energy, that power, the purity into every cell of your body, your abdomen, your shoulders, take your consciousness with every cell of your blood to that part. Your arms, your hands, your legs, your calf muscles, feet. To the tip of fingers of feet, last point, experience that consciousness, energy, purity. Wherever you feel some blockage on the way of the energy flow, just take your consciousness there and clear it. With your breath, अपनी श्वास के साथ कहीं भी एनर्जी रुकी हुई है, अवरोधन है, तो उसको क्लियर कर दे। इस एनर्जी, दिस कॉन्शियसनेस, दिस ब्रेथ can heal any part. Breath is life, breath is energy. Every incoming breath is energizing you. Clearing the blockages, giving you peace. Mm-hmm.
वेयर एवर यू फील सम टेंशन इन योर बॉडी पार्ट मसल इन योर नेक हेड स्कल लेग्स शोल्डर्स आर्म्स जस्ट टेक योर कॉन्शियसनेस एट दैट पार्ट एंड द ब्रेथ क्लींस दैट क्लियर दैट Every incoming breath, take to that part of body where you can feel tension. And with every outgoing breath, release that into air. Keep doing slowly. The tension is decreasing, the pain is decreasing, experience is changing. Keep a beautiful smile on your face. Every incoming breath is energizing you, and every outgoing breath is relaxing you. Now we are entering into third part of our meditation. अभी हम meditation के तीसरे चरण में पहुंच रहे हैं। अगर आप चाहें to move your some body part Very mindfully, very slowly, you can adjust it. Very minutely, present to every sensation when you're moving your body to adjust. What sensations are there? What changes are there? What kind of emotions are there? Just be present. When you adjust, just concentrate on your breath, incoming and outgoing, nothing to do,
नोवेयर टू गो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कहीं नहीं जाना है। यू आर नथिंग, और आप कुछ भी नहीं। ऐसा मन को एक बार बोल के, मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे कहीं भी जाना नहीं है, और मैं कुछ भी नहीं हूं। जस्ट बी विद योर ब्रेथ, बिकम ए साइलेंट ऑब्जर्वर ऑफ योर ब्रेथ, इनकमिंग एंड आउटगोइंग। इफ सम थॉट्स कम इन बिटवीन, लेट देम कम, जस्ट गेट कॉन्शियस दैट आई एम हैविंग थॉट्स। थॉट्स कम, जस्ट टेल टू योर सेल्फ आई एम हैविंग थॉट्स। थॉट्स मीन्स नथिंग, एंड थॉट्स कम्स, इट्स नॉट दैट माई मेडिटेशन हैज बीन डिस्टर्ब्ड। जब भी आपको कुछ विचार आए तो अपने आप से कहें, मुझे विचार आ रहे हैं, और विचारों का मतलब कुछ नहीं होता। विचार आने से ध्यान खत्म नहीं होता। कुछ समय के लिए मैं आपको आपके शरीर, विचारों और श्वास के साथ छोड़ रहा हूँ। बी माइंडफुल फॉर योर ब्रेथ, फॉर योर बॉडी एंड थॉट्स।
वेरी स्लोली गेट कॉन्शियस अबाउट योर बॉडी वेट Get conscious about the surroundings. Get conscious about the sounds around you. धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति वातावरण के प्रति आसपास की आवाजों के प्रति सजग होते हुए अपना समय लेते हुए Come back to your consciousness. Rub your both hands, अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़े. Some heat is produced and put your hands on your face and eyes. Again, rub your hands. From your scalp up to toes, spread this energy to every part of your body, like you're loving it, blessing it. Again, rub your hands. If you have some problem, some pain, at some part of your body, at your back, thigh, abdomen, anywhere, just put your hands on that part. This energy, this blessing, this love is healing, is giving love and peace to that part. Last time, rub your hands, put on your eyes, make them a cup, and blink your eyes behind your hands, slowly, slowly opening, slowly, very slowly, taking your own time. Whenever you feel comfortable, you can open your eyes. प्रज्ञा जी आपकी आवाज नहीं आ रही. थैंक यू सो मच सर. बहुत सुंदर मेडिटेशन था. बहुत सिंपल, बहुत ऑनेस्ट, बहुत अच्छा मेडिटेशन था सर.
I will love to listen few experiences if someone want to share the experience after the meditation. सर हम ऐसा करते हैं ना, सेशन भी लेते हैं और उसके बाद लास्ट में एक्सपीरियंसेस लेंगे, ओके है ना। लेकिन मैं सेशन से पहले सबको बताना चाहूंगी कि सर हम मेरे माइंडफुलनेस कोच थे और सर ही रीजन है जिसके कारण मैंने स्वाध्याय शुरू किया। मैंने पहले सर ने एक ग्रुप बनाया था बुक्स एंड लेसन, उसके लिए मैंने एक समरी बनाई थी, इन्होंने मुझे इतना प्रॉम्प्ट किया तो, और इन्होंने खुद 21 डेज का चैलेंज लेके 21 डेज में 21 बुक्स की समरी बनाई, जो आप सब जरूर सुने क्योंकि वो बहुत ही प्यारी किताब है और समरी सुन के आपका मन होगा उनको पढ़ने का तो, और उसके अलावा सर के सारे वीडियोस माइंडफुलनेस वाले हैं यूट्यूब पे, तो आप वो देख सकते हैं। थैंक यू। तो कैसे जाते हैं हम?